उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ तक जाने के लिए ऑल वेदर रोड बनकर तैयार हो गई है और आगे तक जाने के लिए सड़क भी तैयार की जा रही है, जो कि आने वाले दिनों में कैलाश मानसरोवर की यात्रा को आसान कर देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक आज जिस तरह से देश और दुनिया भर के श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर पहुंचते हैं, उसी तरह से छोटा कैलाश और कैलाश मानसरोवर के लिए भी तीर्थ यात्रियों के जत्थे पहुंचेंगे, जिससे पिथौरागढ़ जिला भी धार्मिक पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन जाएगा। टनकपुर से लेकर पिथौरागढ़ का जो सड़क है ऑल वेदर रोड में बन चुका है, आगे का सड़क भी बन रहा है। आगे आने वाले समय में लिपू लेक तक की यात्रा, हमारे कैलाश मानसरोवर तक की यात्रा इस सड़क मार्ग से होगी। और यात्री जिस प्रकार से आज चार धाम में जाते हैं, जिस प्रकार से इस बार चार धाम यात्रा में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है, 46 लाख श्रद्धालुओं ने चार धाम यात्रा में चार धामों के दर्शन किए हैं। आने वाले समय में यह हमारा जो कैलाश मानसरोवर रूट है, जब यह चालू हो जाएगा तो यहां भी रिकॉर्ड तोड़ यात्री आएंगे। यानी कि जो चार धाम में आएंगे वो हमारे कैलाश मानसरोवर भी आएंगे, हमारे हाट कालिका भी जाएंगे, हमारे थल केदार भी जाएंगे, हमारे मुष्ट मानु भी जाएंगे, अनेकों स्थानों पर जाएंगे। भारतमाला जो प्रोजेक्ट है, उस भारतमाला प्रोजेक्ट में यहाँ के सभी जितने भी हमारे इस जनपद के जितने भी प्रमुख मार्ग हैं, उन सभी प्रमुख मार्गों को जोड़ने का काम भी भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत होगा। पिथौरागढ़ जिला उत्तराखंड में धार्मिक पर्यटन के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ हाट कालिका का मंदिर है, पाताल भुवनेश्वर के मंदिर हैं, छोटा कैलाश है, मोस्टा मानु का मंदिर है। इसके अलावा कई पौराणिक और ऐतिहासिक स्थान भी हैं, जहां घूमने फिरने और दर्शनों के लिए सैलानी पहुंचते हैं। ऐसे सैलानियों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय से बातचीत कर रही है, ताकि जल्द से जल्द हवाई सेवा जारी हो सके और सीमांत जिले में पर्यटकों को कम समय में पहुंचने में आसानी हो सके। आने वाले समय में हमारा पिथौरागढ़ जनपद मुख्य बिंदु बनने वाला है, जहां हम यहाँ की हवाई सेवा चलाने के लिए काम कर रहे हैं। बहुत गंभीरता से एक बात कर रहे हैं, लगातार हमारा काम चल रहा है। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्री जी से मैं स्वयं मिला हूँ, मैंने 2 बार 3 बार 4 बार उनसे अनुरोध किया है कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पर हवाई सेवाएं चालू हों। फिक्स्ड विंग जो हमारा जहाज है, उस जहाज के टेंडर की प्रक्रिया भी हो गई है। आने वाले समय में हम डिफेंस से, रक्षा मंत्रालय से, एयरफोर्स से हमारी बातचीत चल रही है, इसका सर्वे का काम हो गया है, जल्दी ही आगे भी काम चलने वाला है। क्योंकि हमारी प्राथमिकता है कि यहाँ का हवाई अड्डा भी चले, और यहाँ का हवाई अड्डा चलेगा। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत जिले को भी आदर्श जिला बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। दरअसल चंपावत काली कुमाऊं का क्षेत्र है, जो पर्यटन के लिहाज से अनछुआ है। यहाँ फसल भी अच्छी होती है, बाग बगीचों की भी भरमार है। वहीं श्यामला ताल जैसा पर्यटन स्थल है, यहाँ सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। चंपावत में कई पौराणिक मंदिर हैं, जिनमें ग्वेलजू, काल भैरव, बयानधुरा बाबा और पूर्णागिरी माता का मंदिर शामिल है, जिनके दर्शनों के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुँचते हैं। वहीं पवित्र शारदा नदी भी टनकपुर में प्रवाहित होती है, जहां वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, उद्यान का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में, चाहे हमारा आज टनकपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में महाकाली नदी में राफ्टिंग का काम हो, या हमारा अन्य क्षेत्रों पर नौकायन का कार्य हो श्यामला ताल में, तो इन सब पंचेश्वर क्षेत्र में भी जो वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियां हैं, उनको बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है। अनेकों कार्य यहां पर संपादित हो रहे हैं।